दुर्ग जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के कबीरधाम जिला स्थानांतरण होने पर पुलिस नियंत्रण कक्ष में विदाई दी गई। इसके पूर्व एसपी अभिषेक पल्लव ने एक पत्रकार वार्ता लेकर मीशो और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन रीसेल के फर्जी माल ऑर्डर के जालसाजी के प्रकरण का खुलासा किया। इसके बाद एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव कबीरधाम जिले के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने दुर्ग जिले में अपने 13 माह के कार्यकाल को मीडिया के समक्ष इस प्रकार से साझा किया। तेरह महीने का अस्मरणीय जो मेरा सफर रहा है दुर्ग जिले में, मैं शासन को जो है धन्यवाद देता हूँ कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वीआईपी जी डिस्ट्रिक्ट में, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय इरिगेशन मिनिस्टर का, पीएचई मिनिस्टर का, वहाँ पर जो काम करने का मौका मिला। इन 13 महीनों में दुर्ग पुलिस ने नए आयाम छुए। महादेव ऐप, जो कि इसके संस्थापक और कर्ता धर्ता मास्टरमाइंड दुर्ग भिलाई के थे, हजारों लड़के इसमें जुड़ गए थे। दुर्ग पुलिस ने हम कार्रवाई करते हुए 35 से ज़्यादा जो सेंटर्स थे उनके ब्रांचेस थे उसको नस्ताबूत किया। जब मैं आया था 10% से कम लोग सीट बेल्ट और हेलमेट लगाया करते थे, आज के दिन 70% से ज़्यादा लोग हेलमेट लगा रहे हैं और 95% से ज़्यादा लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं, जो अपने आप में सफलता है। दुर्ग भिलाई में पहली बार पिछले 10 वर्षों में एक्सीडेंट की जो रेट है और बढ़ने वालों की संख्या है वो कमी की तरफ जा रही है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी सफलता है। हम लोगों की जान बचा पा रहे हैं। साइबर फ्रॉड में साइबर अवेयरनेस का हमने कैंपेन चलाया, देश भर में उसकी सराहना हुई। हमने अलग अलग मॉड्यूल के काफ़ी सारे साइबर फ्रॉड को नस्ताबूत किया और मीडिया के जरिए देश भर के लोगों को मालूम चला कि किस मॉड्यूल में वो काम करता है। सैकड़ों मैसेज मुझे लोग डेली भेजते हैं कि सर आपने वीडियो देख के आज हमारे साथ ही फ्रॉड होने वाला था, हम लोग बच गए, जो जिससे काफ़ी संतोष जो है वो मिलता है। हजारों व्हाट्सएप मुझे डेली आते हैं, मैं सभी व्हाट्सएप को पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ और पुलिस की छवि हम सुधारने में थोड़ा सफल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी।